हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के प्रैक्टिस बैच में, जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। और आज जो हम पेपर आपके लिए लेकर आए हैं वो है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए जीए के सेक्शन से आपको जैसे कि मालूम है 50 क्वेश्चंस आते हैं, और जीए का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है। आप क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करेंट, सब कुछ ही आपको इसमें पढ़ना होता है। और इसको याद रखने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है, प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका जीए में स्कोर उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं कि जीए में प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, जो सवाल हैं उनका वेटेज कहाँ ज़्यादा है, कौन से सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये सब कुछ हमें आइडिया मिलने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है वो है, विच क्रॉप इज शोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। लार्जेस्ट एरिया यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल लगाई जाती है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है उसमें कौन सी फसल लगाई जाती है। ऑप्शन है राइस यानी कि चावल, वीट यानी कि गेहूँ, शुगर केन यानी कि गन्ना, एंड ऑप्शन डी मेज यानी कि मकई। ठीक है, सो ऑप्शंस चार हैं हमारे पास। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा राइस को ही हमारे देश की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे लगाया जाता है। जो भी खेत हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो चावल है उसे पैदा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, न्यूज़ वेबसाइट्स डिलीवर कस्टमाइज्ड फीड्स ऑफ कंटेंट टू देयर रीडर्स वाया RSS विच स्टैंड्स फॉर। ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट्स जो होती हैं वो कस्टमाइज फीड्स देती हैं अपने पाठकों को RSS मेथड के थ्रू। इस RSS का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। सो यहाँ पे जो RSS है, इस RSS का फुल फॉर्म के लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, रियली सिंपल सिंडिकेशन, रियल सोशल सिंडिकेशन, रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर सिंडिकेशन, रियली सिंपल सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, RSS का फुल फॉर्म जो होना चाहिए जिसे न्यूज़ वेबसाइट्स यूज़ करती हैं, वो होगा आपका रियल सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है, सो रियल सिंपल सिंडिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है, द नेम ऑफ लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनडीवी आइलैंड्स वाज चेंज्ड टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। ये जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनडीवी, ये आइलैंड्स को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई जिसका नाम रखा गया लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये पार्लियामेंट के किस एक्ट के थ्रू किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारा टॉपिक रहा है पॉलिटी में, कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरीज कब स्थापित हुई, कैसे स्थापित हुई, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना इनसे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का कि आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। सो ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, कौन से एक्ट के थ्रू लक्षद्वीप की स्थापना की गई, ये होगा आपका ऑप्शन डी 1973। 1973 में जो पार्लियामेंट का एक्ट बना था उसी के थ्रू लक्षद्वीप की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज को भारत में 1959 में अपनाया था। ऑप्शंस हैं आपके पास राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात और पंजाब। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पंचायती राज जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कहलाती है, ये जो है भारत में सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया था। राजस्थान पहला राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो केंद्र सरकार की विकास के खर्चे होते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो जो एक्सपेंडिचर करती है उनमें इनमें से क्या नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि जो रक्षा पे जो खर्च किए जाते हैं वो, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज आर्थिक सेवाओं पे जो खर्च किए जाते हैं वो, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी यानी कि सोशल, सामाजिक और सामूहिक जो सेवाओं के खर्चे होते हैं वो, या फिर ग्रांट टू स्टेट्स या फिर जो ग्रांट्स दिए जाते हैं राज्यों को
वो, इनमें से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, ठीक है। बाकी जो तीन है, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज यानी कि आर्थिक सेवाओं पे खर्च, सामाजिक एवं सामूहिक सेवाओं पे खर्च, और ग्रांट टू स्टेट्स जो राज्यों को ग्रांट दिए जाते हैं, ये सब कुछ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द बेस ईयर टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल इनकम से रिलेटेड सवाल जो है वो एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं। जो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल इनकम, GDP, NNP, इन सारे से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, ये सवाल खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ले कि बेस ईयर क्या है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का भारत में। भारत में जो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसके लिए बेस ईयर हमने किस ईयर को माना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 2004-5, 2010-11, 2014-15 या फिर 2011-12। तो इसके लिए जो हमने बेस ईयर माना है वो है 2011-12। 2011-12 हमारा बेस ईयर है जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो है, वेयर डिड ब्रिटिश फर्स्ट ओपन देयर फैक्ट्रीज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगेन, जो अर्ली ब्रिटिश रूल था, जिस वक्त ब्रिटिश हमारे देश में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त से रिलेटेड सवाल है। सवाल है कि ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री ईस्टर्न पार्ट में यानी कि भारत के पूर्वी भाग में, भारत के किस पूर्वी भाग में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रिटिश की जितनी भी फैक्ट्रीज थी और भी यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी लोग आए थे, उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रीज़ की स्थापना की थी, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन से असम, उड़ीसा, बिहार या फिर सिक्किम, सारे ही ईस्टर्न स्टेट्स दिए गए हैं आपको। तो इनमें जो सबसे पहला ईस्टर्न स्टेट में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री खुली थी वो उड़ीसा में खुली थी। जी हाँ, उड़ीसा ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर अकबर द मीर बख्शी वॉज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। ठीक है, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था थी उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। मीर बख्शी जो था वो किस काम से संबंधित था, मीर बख्शी था क्या, मीर बख्शी एक पोस्ट था, ठीक है। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि उसके प्रशासन में उसने बहुत सारे पोस्ट्स बनाए थे, जैसे वज़ीर, मीर बख्शी और भी बहुत सारे पोस्ट्स बनाए थे जिनका अपना एक खास काम होता था। तो यहाँ आपको बताना है कि मीर बख्शी इनमें से कौन से काम को करते थे, ठीक है। मीर बख्शी की जो पोस्ट थी वो, ऑप्शन से मिलिट्री अफेयर्स, स्टेट ट्रेजरी, रॉयल हाउसहोल्ड या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि वो मिलिट्री से जुड़ा हुआ काम देखते थे या फिर राज्य के कोष को देखते थे या फिर जो राज्य के घरेलू काम होते हैं एक राजमहल के वो सारे करते थे या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम से वो जुड़े हुए थे, ठीक है। तो मीर बख्शी जो थे ना वो कमांडर इन चीफ को बोलते थे, मीर बख्शी कमांडर इन चीफ, ठीक है। सो ये कमांडर इन चीफ जो थे वो मीर बख्शी थे। तो कमांडर इन चीफ कहाँ होंगे, ऑब्वियसली मिलिट्री अफेयर्स में, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑथोराइज टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये पॉलिटी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि किसके पास शक्ति होती है इस बात का निर्णय करने की, किस बात का, अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद, जो सांसद होते हैं हमारे, उनकी डिसक्वालिफिकेशन यानी उन्हें हटाया जा रहा हो और उस पर एक विवाद हुआ हो, उस विवाद का निर्णय लेने की शक्ति किस में निहित होती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पास, प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति के पास, इलेक्शन कमिश्नर यानी जो होते हैं ECI के हेड उनके पास, या फिर अ कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, या फिर इसके लिए पार्लियामेंट एक कमिटी का निर्माण करती है, कमिटी का गठन करती है। सो ये जो डिसक्वालिफिकेशन पर डिसीजन की बात आती है, डिसीजन का पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, उनके ही डिसीजन से जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग
ऑफिस इन लोकसभा। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या है, ठीक है। सो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है उसके लिए ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा के लिए जो मिनिमम आयु है वो है 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए जो मिनिमम आयु है वो है आपकी 30 वर्ष, ठीक है। सो ये रही राज्यसभा की 30 वर्ष और लोकसभा की 25 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1984 पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, ठीक है। सो 1984 अक्सर बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो जो भी बुक्स स्पेशली जो करेंट से रिलेटेड बुक्स होंगी, यानी हाल में ही किसी खास पर्सनालिटी ने अगर कोई बुक लिखी होगी, जैसे कि पॉलिटिशियंस, सुपरस्टार्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, इन सब से रिलेटेड जो भी बुक्स हाल के दिनों में आई होंगी, यानी करेंट से भी रिलेटेड वो होना चाहिए, उन सारी बुक्स को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि 1984 बुक के ऑथर का क्या नाम है। ऑप्शन है आपके पास थॉमस हार्डी, एमिली जोला, जॉर्ज ऑरवेल या फिर वॉल्टर स्कॉट, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल जो है वो बहुत ही पॉपुलर ऑथर है, इन्हीं के बुक का नाम है 1984, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड LSD इज अ ड्रग यूज्ड एज, LSD इज अ ड्रग यूज्ड एज, LSD एक ड्रग होता है, एक दवा होती है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, यानी दवा के कौन सी कैटेगरी में ये आती है, ठीक है। ऑप्शन है स्टेरॉइड, सेडेटिव, एनाल्जेसिक या हैल्यूसिनोजेन, ठीक है। तो LSD जो है वो लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड, ये एक हैल्यूसिनोजेन होता है, यानी इसके इस्तेमाल से आपकी जो बुद्धि मति जो है वो भ्रम होती है, मति भ्रमित करता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स सच एज ऑयल स्पिल्स इन द वाटर बॉडीज इज नोन एज, सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग करके जो पॉल्यूटेंट्स हटाने की प्रक्रिया होती है। अब कैसे पॉल्यूटेंट्स होंगे, ऑयल स्पिल्स होंगे वाटर बॉडीज़ में, यानी कि जो समुद्र वगैरह होते हैं या नदियाँ होती हैं इनमें जो तेल चला जाता है, उनको हटाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों का हम इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, बायो रीमीडिएशन, बायो मिथेनेशन या बायो रिडक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बायो रीमीडिएशन। बायो रीमीडिएशन से ही हम पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, संगाई फेस्टिवल, संगाई पर्व जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा संगाई फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल आपका मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इनमें से कौन से दिन पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 फरवरी, 4 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर, ठीक है। सो 28 फरवरी, 4 मार्च, 5 जून या फिर 16 सितंबर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को यानी 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू रोल अ स्टोन अप अ स्लोपिंग रोड देन टू लिफ्ट इट वर्टिकल अपवर्ड्स बिकॉज। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका साइंस सेक्शन फ्रिक्शन से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार सवाल आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन से। सवाल ये है कि एक पत्थर को रोल करके ले जाना, एक ऊंची किसी जगह पे आपको ले जाना हो तो आप उसे रोल करके उस पर ले जाएंगे, वो क्या होता है, वो आसान होता है किससे, अगर आप इसे हाथ में उठाकर सीधे उठाकर ले जाएंगे तो, यानी कि रोल करना जो होता है वो हाथ में उठाकर ले जाने से ज़्यादा आसान होता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है, वर्क डन इन रोलिंग मोशन, रोलिंग इज मोर देन इन लिफ्टिंग, वर्क डन इन रोलिंग इज मोर देन इन लिफ्टिंग, यानी कि किसी वस्तु को रोल करने में कार्य जो होता है वो ज़्यादा होता है उसे
उठाने के मुकाबले, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो है वर्क डन इन लिफ्टिंग द स्टोन इज इक्वल टू रोलिंग इट, यानी कि उठाने में और उसे रोल करने में दोनों में ही जो कार्य किया जाता है वो बिल्कुल समान होता है। ऑप्शन सी है वर्क डन इन बोथ इज सेम बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज लेस इन रोलिंग, यानी कि कार्य तो दोनों में समान होता है लेकिन कार्य करने की जो रेट होती है वो रोलिंग में कम होती है। या फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी वर्क डन इन रोलिंग अ स्टोन इज लेस देन इन लिफ्टिंग इट, यानी कि किसी भी वस्तु को रोल करने में जो कार्य होता है वो कम होता है उसे उठाने के मुकाबले, ठीक है। सो ये आसान क्यों होता है, किसी भी वस्तु को रोल करना उसे उठाने से आसान क्यों होता है, क्योंकि जो रोलिंग में जो कार्य किया जाता है वो कम होता है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो ये थे आज के सेशन में जीए के क्वेश्चंस जो टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो उस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।